नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संजू फिल्म के 8 दिन के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे सलमान खान की भारत फिल्म के भी 8 दिन के कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों फिल्मों में शुरुआती 8 दिनों में कौन सी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन ज़्यादा रहा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें संजू फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने, और इस फिल्म में लीडिंग स्टार कास्ट में देखने को मिले थे रणवीर कपूर, वही साथ में थी सोनम कपूर, और इसके अलावा नज़र आए थे विक्की कौशल। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बायोपिक थी। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के डे वाइज कलेक्शन की, तो संजू फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 34 करोड़ 75 लाख रुपये, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई थी 38 करोड़ 60 लाख रुपए, तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन आया था 46 करोड़ 71 लाख रुपए, चौथे दिन फिल्म की कमाई रही थी 25 करोड़ 35 लाख रुपए, पांचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 22 करोड़ 10 लाख रुपए, वहीं छठे दिन फिल्म की कमाई आई 18 करोड़ 90 लाख रुपए। बात करें सातवें दिन संजू फिल्म ने कमाए थे 16 करोड़ 10 लाख रुपये, वहीं आठवें दिन फिल्म का कलेक्शन आया था 12 करोड़ 90 लाख रुपये। इसी के साथ दोस्तों, संजू फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में इंडियन मार्केट में कमाई कर ली थी 215 करोड़ 41 लाख रुपए। वही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर बात करें भारत फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, और इस फिल्म में लीडिंग स्टार कास्ट में है सलमान खान और कैटरीना कैफ। अगर दोस्तों बात करें भारत के डे वाइज कलेक्शन की, तो भारत फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 42 करोड़ 30 लाख रुपए, वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन आए थे 31 करोड़ 5 लाख रुपए, और तीसरे दिन फिल्म ने कमाए थे 22 करोड़ 20 लाख रुपए, वही चौथे दिन फिल्म की कमाई आई 26 करोड़ 70 लाख रुपए, पांचवें दिन 27 करोड़ 90 लाख रुपए, छठे दिन 9 करोड़ 10 लाख रुपए, वही सातवें दिन 7 करोड़ 30 लाख रुपए, और आठवें दिन फिल्म की कमाई आ रही है 6 करोड़ 30 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, भारत फिल्म का 8 दिन का कलेक्शन हो रहा है 173 करोड़ 10 लाख रुपए। तो दोस्तों, जहां संजू फिल्म ने 8 दिनों में 215 करोड़ 41 लाख रुपए कमाए थे, वही भारत फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में सिर्फ 173 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। यानी कि शुरुआती 8 दिनों के कलेक्शन के मामले में संजू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कहीं ना कहीं सलमान खान की फिल्म भारत से ज़्यादा कमाई की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक फैक्टर और आता है कि संजू फिल्म नॉन हॉलीडे पर रिलीज हुई थी, तो फिल्म को कोई भी हॉलीडे का फ़ायदा नहीं मिला था। वहीं सलमान खान की फिल्म ईद जैसे बड़े त्यौहार पर रिलीज हुई थी और फिल्म को ईद का भी फ़ायदा मिला था। इसके बावजूद भी दोस्तों, कहीं ना कहीं सलमान खान रणवीर कपूर के पीछे रह गए और बाजी मार चुके हैं रणवीर कपूर। लेकिन दोस्तों, एक बात और बता दें आपको कि संजू फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 345 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। वहीं अगर बात करें भारत के लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जिस तरह से भारत फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में कलेक्शन कर रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ या 210 करोड़ तक की कमाई कर पाएगी। जो कि संजू फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में कलेक्शन किया था, उतना कलेक्शन शायद लाइफ टाइम में भारत कर पाएगी। वैसे दोस्तों, अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी, तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, रणवीर कपूर की संजू या फिर सलमान खान की भारत? अपनी फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड और साउथ की ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।